Hi, Hi guys, guys. Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's What's the four one? One? जी हाँ हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया बहुत इंजॉय किया ईमान क्या रही फीडबैक सबसे पहले मोमेंट जो आपने मोहमेदत फैलाने की कोशिश की मेरे स्कर्ट को लेके लोगों ने मुझे प्यार भेजा लोगों की आंखों के आगे एक पर्दा आ चुका था लास्ट जो आज उठ जाएगा क्योंकि स्कर्ट वापस आ चुका है लोगों ने मुझे कहा भाई ईमान जिस चीज में आप खुश हैं वो पहने और ऐसे टूर पीपल की बातें मत सुने टूर पीपल ईमान आप भी हैं अभी आप कि ईमान बात कर बात कर रही है के आर के के जी हाँ लास्ट वीक आप सब जानते हैं हमने बात की थी के की आर के छोड़ी हुई एक शुल्ली के बारे में जब उन्होंने बात की थी फिरोज और गीतिया के रिश्ते के बारे में हमने जब शो किया शो के नीचे आया एक कॉमेंट

उन्होंने मुझे जलील ना इस जंग में आ, वो इंडिया के थे वो एक अपनी महान जंग करते जंग पा... बोलती है इस वक्त भारत की बेटी गीतिका और पाकिस्तान का बेटा फिरोज अभी ठीक है फिरोज खान जैसे भी हम लोग ने इसके बारे में बात हाँ. कर चुके हैं अभी हमारा मेन जो टॉपिक था वो गीतिक और फिरोज वाली चीज से लिंक था सब ने मुझे नीचे जलील कराया कि यार कहने का नीचे जा के के, नीचे जाके और पाकिस्तानियों ने इन्हीं के पाकिस्तानियों ने कमेंट किया है कि आपको शर्म आनी चाहिए हाँ, और फिर बल्कि एक लड़की ने तो कमेंट किया ईमान एक लड़की ने तो नीचे कमेंट में ये भी कहा कि ईमान मैं दुआ करती हूँ तुम्हारा शोहर फिरोज खान जैसा हो कि तेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो

गीतिका को मेरे जो कूड़ा बोला है, मैं उसको नहीं जानती। किसी और से नहीं बोला हाँ मैंने उनको एज अ पर्सन कुछ नहीं बोला मैं नहीं जानती वो कैसी है मैंने अब काम में जब होता है ये थोड़ी हमारी एक के पीछे हमारे हाँ, हाँ, साल जानते हैं so, कूड़ा कोई ब्लॉगर भी, हो भी होते हैं कोई कूड़ा इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं हाँ, कोई को, कोई भी हो सकता है <laughs> कोई भी किसी सिचुएशन में कूड़ा हो सकता है कि हम हर एक्टर की भी एक क्लास होती हाँ। तो है कि ए बी सी के फैक्ट है और जब कभी कोई कास्ट भी रिवील कर और जब मर्जी बोले कि नहीं भाई कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता सब इक्वल है ये अच्छी बातें आइडियल वर्ल्ड में बट

बात नहीं बोल सकते <laughs> बट हम कह सकते हैं अच्छे हुए कुछ चलो, इसका हैं। तो में कुछ ढूंढ का तबादला ने कहा कि प्लीज अपना ब्लाइंड आइटम आप शेयर करें हमारे साथ हिंट्स कुछ आप लोगों की आज खुशकिस्मती ये है कि जो दो ब्लाइंड आइटम लास्ट मैंने शेयर किए थे उन दोनों ब्लाइंड आइटम्स के की प्लेयर्स यानी कि यहाँ प्लेयर यहाँ पे एक ही प्लेयर उनकी आज बात होनी है शो में अब आप लोग खुद ढूंढे फिगर करें किसकी बात कहां पे हो रही है और आपको मैं एक और हिंट दे दू जरूरी नहीं आप, कोई सब हो सकता है शो में कोई छोटा जिक्र हो सकता है पहचान लिया था हमारे शो में कितने लोगों की बात होनी इंडस्ट्री में दस लोगों की खुद ही पता मैं खुद भी एक एक गैस करा था एक एजुकेटेड गैस एजुकेशन को लेके वो <laughs> की गैस बहन भाइयों ने पहचान लिया उन्होंने मुझे खुद ही बता बट लोगों ने जो आपने करने कोशिश की मैं भी इस नंबर पे एक रॉन्ग कॉल कर रहा हूं पता है कौन है बंदा हाँ? अब मोमिन उनको अटैक करें तो खुद ही वो बता देंगे कि हां लेट्स सी लेट्स सी मोमिन शो की तरफ बढ़े हम खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करता है एक कलेश के साथ ये बात होती है की बात होती जरा इंडियन इंडस्ट्री की

इससे पहले मान लीजिए पी एच डी स्टार्ट छोटा सा सबको एक बता जरा एक ना, एक दे दू जल बैंड इनिशियली आतिफ असलम गौर मुमताज आतिफ असलम चले गए उनकी जगह आ गए सईद फरान और गौर ने बैंड को आगे उसके फरान भी चले गौर मुझे कि अगर हम उनकी पूरी वाली साइड बता रहे हैं तो हम बताएं कि उनकी पूरी हाँ। जर्नी कैसी है कि वो अच्छी साइड भी थी बुरी साइड भी थी की वो गाने गाने में किस तरह आए सब कुछ इस तरह हुआ बेसिकली उनको एक बैंड पसंद था उनकी वो कैसेट्स बहुत शौक से सुनते थे

खुश मैं आगे उन्होंने फिर आगे फरहान की बात शुरू कर दी कि उनका फरहान भी इस तरह जुल्फी के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जुल्फी की यूनिवर्सिटी में फरहान पढ़ता था और ये आदत का कवर गाते थे

आपने एक वक्त साथ वक्त साथ गुजार दो यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा आप सॉल्टी हो गए हैं मुझे फिर उन्होंने अपने सारे दुख बताया कि YouTube पे बैन लग गया था हम एज ए सिंगर सबके रिकॉर्ड लेबल से इधर उधर हो गए YouTube बैन हुआ है द होल इंडस्ट्री एक्चुअली स्ट्रगल्ड उसमें बीच में फिर फरहान ने बोला कि गोहर में भी जरा

और मैं समझाता ही रह गया उन्होंने भी कहा कि आतिफ लेफ्ट एट द राइट टाइम कि वो एक वक्त था उनकी आवाज यूनिक थी क्लिक करी वहां पे हाँ। वो सही टाइम पे उसको गाने मिल गए

सोशल मीडिया पे एक क्लिप फैलता है फिर वो बात आगे बढ़ती है तो बात पहुंच के फरहान तक और फरहान सईद ने कहा कि ये देखो मेरी एवरेज लाइफ फरहान सईद ने एक वीडियो लगाई जिसमें अलग अलग शहरों में जाके वो भी अपना कॉन्सर्ट कर है। रहे हैं मेरे हम सफर का ओ गा रहे हैं फरहान ने कहा माइक ड्रॉप

बट अगर आप में करें में तो वो वो ज़्यादा बड़े नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री ये बात होती कि मेन जो टैलेंटेड थे वो गोहर थे। गोहर उनकी आवाज़, कंपोज़ वगैरह मुझे ये ये टर्म्स नहीं पता। ये सब इन्होंने हाँ। मेहनत करके अपनी आवाज पे अच्छा की बात करें बट गोहर से हाँ। समझ थी हाँ, वो

Hire and Jalband to sing Aadat as a replacement. At that time you were not confident, out of tune to sing Aadat. Nothing more than that. Also thanks for you have uploaded to show off the PGC crowd. But somebody should tell you before posting this video on your page that you're still out of tuning in this way. तो ये प्रियंका. But love you and your fans too. वो भी <laughs> all. तो <So, laughs> थोड़ा से क्या था इस वाल्टरी सा? तो मुझे वो personally feel वाह. क्योंकि मुझे इसके बाद हाँ, sorry मुझे Jalband की बात में ना हर किसी के अपने fears होते हैं. फरहान गोहर आतिफ में अब मुझे प्लीज़ आतिफ के फैन आके ना हिट करें मेरे फेवरेट फरहान है मुझे फ़रहान के सारे गाने अलीहदा आतिफ जो इंडिया में गए वो गाने मूवीज़ की वजह से हिट हैं वो है मैं आतिफ के सोलो गानों की बात करी एज ए सिंगिंग करियर मुझे फरहान के गाने सारे बड़े पसंद थे रोइया मुझे जैसे वो कह रहे हैं ना छेड़ मलंगा नु मुझे फरहान के सारे गाने बहुत पसंद है आई एम अ ह्यूज फैन अच्छा यहां एक बात मैं ऐड कर दूं तो कि जब फरहान ने लगाई मैं एवरेज लाइफ और गोहन ने उस पे रिएक्ट किया लंबा चिट्ठा लिखे। उस चिट्ठे के बाद फरहान ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने कुछ रिस्पोंड नहीं कर लेकिन

जब चुप को खोला मैंने कहा वाह वाह खोला जब जब उन्होंने बताया कहानी गोहर बहुत बुरी लाइट में दिखे

तोड़ता है मुझे होता है मैं कभी भी तोड़ की पहल मैं ना करूं मैं अपनी तरह से कोशिश करता रू मैंने एंड तक कोशिश की खैर जब गोहर ने फूडिया मचाई तो मैंने कहा मेरा भाई वापस काम करने चला जाए और हम लोग अपना खुद ही कर लेंगे तो भाई मैनेज नहीं कर कर रहा उसने छोड़ दिया। उसने छोड़ वापस उसका काम शुरू लिया बीच में इस के दौरान अब आतिफ को एक क्वेरी आई किसी कॉन्सर्ट की ठीक है आतिफ ने कहा गोहर को मुझे आई है कहा अच्छा मुझे जरा पैसे तो दो चीज के आतिफ ने कहा अभी क्वेरी आई है अभी कॉन्सर्ट शॉन्सर्ट हो रहा है मुझे कुछ उन्होंने पैसे नहीं दिए और हम लोग अपनी रिहर्सल वगैरह करें इस डेट को होना है जब पैसे मिलेंगे तो मैं दे दूंगा I, was like, I have not received anything yet, but जब मुझे मिलेंगे मैं जरूर दूंगा इन्होंने दो दिन रिहर्सल की

कितने गोहर नेगेटिव थे गोहर को जब उन्होंने बुलाया था टीवी पे उन्होंने जल एज ए बैंड को बुलाया था आतिफ और गोहर दोनों होंगे जो सिंगर है वो भी होगा ये गिटारिस्ट है वो भी होंगे उन्होंने वहां पर जाके कहा आतिफ के घर में किसी की डेथ हो गई थी तो आतिफ नहीं आ सके टीवी चैनल पे उनको ये बताया मेरे घर में डेथ हुई अब वो टीवी वाले बड़े मुझे नेक और अच्छे लगे जो <laughs> करता नहीं वो अहमद अली अ कॉल कर रहा आतिफ आपके ऐसा कुछ हुआ है आ, 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 कुछ भी नहीं झूठ बोल रहा है जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है आपसे अब पता नहीं उसके बाद आतिफ की वापस भेज दिया गोहर को उन्होंने कहा हमारा तो नहीं हो सकती है एक बंदे के साथ उन्होंने वापस भेज दिया आतिफ यहां पर अपनी तरफ से कोशिश करते तो उन्होंने लाहौर में कॉन्सर्ट कर दिया अल्लाह पे छोड़ के और वो हिट हो गया इनका सोलो कॉन्सर्ट हिट हो गया वो जो कॉन्सर्ट था आई हैड टू डू इट मायसेल्फ वाज अ सक्सेस तब इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई बस मैं अपना अलग रास्ते हो गए जुदा एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड दैट आई वोंट बी वर्किंग विद एनीवन और उनकी किस्मत से अच्छा भी चल गया तो उनका हाँ. ठीक है मैं केला भी कर सकता हूँ उनका मैं सच्चाई के साथ हूँ हक के साथ हूँ और तब आप सबको भी याद होगा जो जल फैंस होंगे दो एल्बम्स आई थी एक जल पड़ी जल पड़ी। और जल ठीक हाँ. है जल पड़ीफ का इशू भीट का इशू था और हमारे दोनों जिस तरह भी था आतिफ का कहना था मैं सच पर हूँ तो मुझे नाम की जरूरत नहीं है मेरा काम ही इस चीज को बताएगा अब आतिफ कहते हैं कि मैं माफ कर चुका हुआ हूँ मुझे वक्त ने सिखाया है अब वो वैसे भी गोहर इतनी ऊपर जा चुके हैं अब उन्होंने क्या, आ, क्या इस पे करना <laughs> गोहर बैठे बैठे पूरे में चाहते होंगे तो उन्होंने मैं गोहर अब मुझे मिला भी था सोचो सतारह साल बाद मिले मुझे मिला भी था तो मैंने कहा कि गोहर ठीक है वो रिग्रेट कर इस चीज को मिट्टी बहुत मैंने तब भी इसको समझाया था कि इकट्ठे काम कर ले बाद में किसी को कुछ याद नहीं रहना समझाया भी था जब वक्त गुजर जाएगा किसी को इस चीज का एहसास नहीं होगा मेन बस आप जो इकट्ठे मिलके करते वो अच्छा होता है तब तो 2005 से दो में पहली तूफान की बात हुई है

मुझे पता फरहान ने कोई मैसेज किया था पहले पहले इंटरव्यू से पता नहीं क्या हुआ किस फरहान को लेकिन बहुत ज्यादा लगे हाँ। वो भी हमेशा यही कहते थे और काफी सालों से छोड़ चुके हुए अब जाके इतनी पूरी की सेंस नहीं थी। हाँ।, हाँ तो पता नहीं अभी आने से पहले वो बैठ कह रहे ईद मूवी आ रही है अभी वैसे कुछ आया ये ईद पे आ रही है तो ईद वैसे ही बनती है बट अब पता नहीं हाँ उनका आगे चर्चा में

कपड़ों के स्टाइल से सिंगिंग स्टाइल तक निहाल मुझे करती है कॉपी निहाल टोटली कॉपीड मी फ्रॉम हेड टू टो

बोलते अहमद अली भट ने सबक अच्छा वर्ड दे दिया दैट आई एक्चुअली मेड समबडी डू दिस

गेज़। गेज़। <laughs> अगर वो ये चीज ना ना कहती है तो शायद आयमा फिर भी बच जाती है तो वो जरा बड़ी में चला गया और वही मैरान हूँ दिया था जब वो छोटी थी, थी, थी? हाँ. तेरह सौदा साल, साल, साल की थी एक वीडियो है जिसमें आयमा की बहुत बड़ी फैन हूँ आयमा का ही गाना गाती है आयमा के अप्रिशिएट करती है उनको कहती है बल्कि ओ तुम्हें ये गाना गाना चाहिए तुम अच्छा इतना अच्छा गाना गाती हो ये सब कुछ कहने के बाद बनाई फिल्म में और अब जाके कह रही है कि मुझे पूरा कॉपी करती असल में हुआ कुछ यूं ना कि जब वो आयमा और निहाल की मुलाकात हुई थी तब आयमा एस्टैब्लिश नाम थी अभी एस्टैब्लिश नाम है पर निहाल का बिल्कुल एक एक बच्ची थी एक फैन थी आयमा ने फैन को प्यार से वेलकम किया और साथ उनकी वीडियो भी आई थी गाना के दोनों गायक का हाँ. उसके बाद आयिस नेहाल ने अपना नाम बनाया इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं बात दुरुस्त हम भी बात खुद ही करते थे मतलब इस सब के होने से पहले भी ईमान बात कहती है ये दो तीन साल से मान मुझे कह रही है हाँ। कि की आवाज ना आयमा से तो लग रहा था आईमा ही बोली थी आईमा ही गा रही है और कहीं ना कभी हो भी इस तरह से पी एस एल का गाना गाया तो मुझे लगता है जहां जहां आयमा कहीं नहीं होती है ना तो आयमा को हो रहा अगली स्टेज में अब वो आई हाँ। जा रही हैं उनको काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं पी एस में आयमा ने गाया पी का जो एंथम है लेकिन निहाल ने गाया आयमा को भी खुश होना चाहिए आयमा आपका लेवल अगर बढ़ेगा तो नीचे वाले पे कोई और आएगा तो फिर आपका भी लेवल बढ़ेगा ना वरना आप ही अगर दूसरी स्टेज के गाने गाती रहेंगी तो वो मुझे थोड़ा सा सोल्टी यहाँ पे थोड़ी सी वो एक आगे चीज जो वहाँ पे भी आई थी

आयमा को भी सोटी नहीं होना चाहिए था आगे, आगे आ बढ़ते हैं भी बात थे निहाल नसीम के बारे में तो बात करते हैं एक गाने की जो नहीं गाया <laughs> लेकिन मुझे लगा था वो गाएंगी बात हम लोग करे दगाबाज दिल का पहला गाना आ गया नाम है गोरी तेरा झुमका गोरी तेरा झुमका लगा ठुमका जी हाँ दगाबाज दिल का पहला गाना गोरी तेरा झुमका आ चुका है जिसको गुनगुनाया है हसन अली और निर्मल रॉय ने हमें लगा था निहाल नसीम इस गाने को गाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम पर्दे में रहने दो टाइटल ट्रैक पीला रंग जो बड़ा हिट हुआ था वो गाया था हसन और निहाल ने बट अब हसन का साथ देर निर्मल तो ईमान कैसा लगा आपको गाना मेरी बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं एक तरफ मुझे कोई मूवी नहीं आ रही तो एम हैप्पी को एक तरफ गाना देख के बात है, लास्ट थी हमने बोलती कि इंडस्ट्री के साथ बहुत फीके हैं

आगा अली का रमजान में ड्रामा आ रहा है उसका आप देखें टीजर मुश्किल बड़ी बड़ी है जाने कैसी घड़ी आपको थोड़ा भी फर्क लगाओ बल्कि आगा ने ज्यादा एक्सप्रेशन दिए हैं सॉरी टू से बड़ी अदाए फेंकी है बहुत अदाए फेंकी है, है अली रहमान मैंने भी लास्ट वीक ही आपकी तारीफें की थी कि हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कतरीना कैफ थी पत्थर कहते थे लोग बहुत लो स्टिफ होती, होती थी अली रहमान को भी मैंने देखा अपनी नजर से कि जब वो परफॉर्मेंस रहे थे वॉक शो में लूटा रहे लूटा रहे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया मस्ती आ गई एक्सप्रेशन दे रहे हैं बहुत एनर्जेटिक है इस दफा भी मजा आएगा पता नहीं पानी सारा फेट दिया उन्होंने ऐसे मेरे जिस बात तो मेरे ने कहा बेटा मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं वही का वही अटका हूँ oh, सिर्फ बस मेरा वो स्टेप वही वन टू थ्री फोर

तो वो या सिंगर से भी फर्क पड़ता है हर चीज से पीछे फर्क पड़ता है तो लेकिन मैं उसने कहा कुछ नहीं होता अगर अली स्टिफ है मैं अपने जल्दी बिखेरूंगी <laughs> जल्दी बेरे और मेविश मुझे ना आधे गाने में अच्छी लगी आधे गाने में नहीं अच्छी क्यों? लगी क्योंकि पता नहीं जो मेविश के मेकअप आर्टिस्ट थे उन्होंने है खैर है हम लोग अपनी मस्ती में गाना शूट करते हैं हम कल करें परसों करें तरसों करें हमारी अपनी मर्जी एक जगह में तुरी डेनो वाली लाल लिपस्टिक लगाऊंगा एक जगह में तुझे अच्छी लिपस्टिक लगाऊंगा जहां पर थोड़ी न्यूट का मिक्सचर था वो वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी मेविश लग रही थी जहां पर एक बहुत ही लाल भड़कती थी मेरी जैसी लिपस्टिक लगा दी वहां पर वो पटाखा लगती लगती मुझे नहीं अच्छी लगी और बस से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी मुझे नहीं समझ लगा मेविश ने क्यों ये पहना है अगर आप चोली पहनो या फिर आप चोली पहनो

इतनी जल्दी क्यों है अग, मतलब कि बड़ी ईद में आ जाते छोटी तो है भी नहीं या फिर पहले शूट करना शुरू कर देते पता नहीं क्यों जल्दी है पहले आपको पता है की लोग नहीं आ रहे पर से अगर आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो फिर तो मुझे बस थोड़ा समझा है जब मशेल आई मशेल आई सा हाँ साड़ी पहन के मस्ती की ब्लू साड़ी में आई फुड़कती हुई मैंने किया मैं बड़ी स्क्रीन में देखना चाहूंगी तो मैंने तो भी बहुत एंजॉय किया आगे बढ़े फिर हाँ। अभी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं भाई कुछ और अपकमिंग फिल्म्स के बारे में जी हाँ आपके लिए मैं खोलने वालों पंडोराज बॉक्स माइंड की अपकमिंग फिल्म्स के बारे में लेकिन इससे पहले कि मैं बात करूं इन फिल्म्स के बारे में मैं चाहता हूं हम लोग वक्त में कुछ पीछे जाए हम चाहेंगे अक्टूबर 2019 में जहां इंडस्ट्री

उसके अलावा उन्होंने बात की एक और फिल्म लव यू जट्टा जो मैं 2021 में लेकर आऊंगा और और की बात भी चल रही थी खलील कमर इंडिपेंडेंटली बनाएंगे उसके बाद गए इधर उधर उसके बाद 2022 में फाइनली आ गई लंदन नहीं जाऊंगा और 2022 के ही दिसंबर में हमने खबर ब्रेक की थी गैलेक्सी के ही प्लेटफॉर्म पे जहां हमने बात की थी कि आ रही है आज रंग है आपको दिखेंगे हुमायूं सईद और महरा खान इसको लिखा है ने उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम 2024 में जहां खबर आई सामने कभी लव गुरु की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी कास्ट में शामिल है हुमायूं सईद महरा खान और इरफान मलिक जो एयरवाइफ फिल्म्स के हेड हैं

Just stop it! एक मिनट रुक जाओ जाओ। बड़ी हिम्मत की बात है खलील जी का इंटरव्यू करना जो दहशत फैलाते हैं और, इस करते और बहुत जरा ये खलील जी बहुत दहशत डालते हैं आपका दिमाग भी घूम रहा था इतनी किसका क्या मोमेंट कुछ क्लियर बात इंडस्ट्री नहीं चल रही इतनी फिल्में आ तो नहीं आपको मैं क्लियर बात अब बता दूं लंदन ही जाऊंगा टिक मार्क हो चुकी है लव गुरु अभी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है से हीरो हैं हीरो हीरोइन अभी जल्द अनाउंस होंगी राइटर है वास चौधरी डायरेक्टर है नदीम बेग बहुत कैम्यूज हैं और प्रॉब्लम ये होगी की अगली फिल्म रिलीज होगी इसके अब जो बात की थी लवी जट्टा के बारे में आई थिंक उसका रीनेम से कर दिया मिर्जा जट जो बड़े बजट की एक फिल्म सुनने में आ रहा था और खिलीप ने वैसे एक अनाउंसमेंट कर दिया बट अभी आई थिंक उसकी कास्टिंग सासिंग चल रही है कौन कास्ट में आएगा उसके शूटिंग कब स्टार्ट होगी शायद अब स्क्रिप्ट इसकी मुकमल ना हो तो ये आई थिंक अगली फिल्मों पे हमारे साथ काम करने वाले हैं और लास्टली आज रंग अगेन एक स्क्रिप्ट होगी उनके पास जहाँ पे जंजीबल आसिम ने उसको लिखा है और नदीम बेग इसको डायरेक्ट करने वाले है। तो तो के हैं तो हमारे पास ना मल्टीपल स्क्रिप्ट होती हैं तो आई थिंक ये एक के बाद एक तीन फिल्में पेश करेंगे

स्टार्ट वैसे बहुत जरूरत है एक से भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपना जैसे शबाजशिफ आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की तो कहने के हालात थोड़े मुल्क थोड़ी से बेहतर हो जाएंगे बॉलीवुड अगर आगे ना फिल्मों

<laughs> <laughs> तो दीमा बेसिकली अपने खाना खाने के बाद अपने आई थिंक चिप्स थे उनको काटती थी इसको बताते हम लोग खाना जाए करते थे तो हमें चाहिए कि इसको काट के ना हम लोग आपको मैं दिखाती मैं क्या करने वाली हूँ जब खाना खाते हैं और जो खाना बच जाता है उसको खासतौर जब ब्रेड हो या चिप्स हो तो उनको तो कभी फेंकना नहीं चाहिए तो उन्होंने अपने चिप्स को से तोड़ के तोड़ वो बाहर बाहरों को से खिलाया और चप 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 खा गए <laughs> उसका वो बड़ी थी कि मैंने यू नो एक अच्छी चीज सिखाई लोगों को हाँ। लेकिन लोगों ने जो कॉमेंट करना शुरू किए कि आप ऐसे कैसे खाना खिला सकती हाँ। हो खाना ऑयली होता है बाहर के मुल्क में अलाउड नहीं है हाँ। फाइन हो जाता है लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स किए इतने गंदे कमेंट्स किए बताए रीमा की बुरी किस्मत इवन वीडियो अंदर भी कोई कह रहा है कि आप मतलब क्या कर रही हैं वो कहा तो तो कि बहन ये चीज नहीं करते हैं कि उनके लिए उनका अपना खाना आता है रीमा का खा तो गई ना सब रीमा जी खा तो गई उसके बाद जिंदा रहेंगे नहीं। देखने तो तो कि नहीं वो आपने देख लिया आके तो रीमा जी कहने के मेरे दुख हुआ कि लालू डीवा से रेशम में जब कुछ फेंका था उसमें